नहीं, देखो ऐसा है, ये बीजेपी के लोग ये किसी भगवान को नहीं मानते, ये साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। जैसे इनोवेशन होता है, ये इनोवेटर्स हैं। कब क्या इनोवेशन करते हैं पता ही नहीं बीजेपी के लोग। धर्म में कौन सी बात नहीं जोड़ते। भारतीय जनता पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है, आपस में लड़ा के राजनीति करती है। और जो झगड़ा शुरू हुआ है, ये कोई झगड़ा आज का नहीं है। अगर हम भारत के इतिहास में नजर डालें तो 5,000 साल से ज्यादा का ये झगड़ा है। हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी से। हम तो मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, और सदन में अगर कोई सवाल उनके सामने किया है विपक्ष ने, और समाज अगर वो विपक्ष करता है सवाल उनके सामने, तो जवाब मिलना चाहिए उसका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब से भागना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जवाब से भागना नहीं चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी में मौर्य जी के जो सवाल पे दो फाड़ नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के आपकी पार्टी एक मत नहीं दिख रही है। देखिए देखिए, मैं आपसे बता दूं, पहले ही मैंने कहा, उस दिन भी कहा, फिर कहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी सभी भगवानों को मानती है, हर धर्म के भगवानों को मानती है, हर धर्म को मानती है, हर अच्छाई को मानती है। और समाजवादी पार्टी भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन सबको मानती है। लेकिन अगर कहीं कोई प्रश्न लगा है, प्रश्न चिन्ह उठा है, और ये लड़ाई कोई हिंदू धर्म की आज की नहीं है, 5,000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसीलिए मैंने अभी भी उदाहरण दिया था कि बीजेपी को के लोगों को रामधारी दिनकर जी की वो कविताएं पढ़नी चाहिए, और एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। तो इसलिए जवाब उन्हें देना है, जवाब से भाग नहीं सकते वो।